भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने विश्व रंग कार्यक्रम की शुरुआत की। 7 दिनों तक चलने वाले विश्व रंग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती का गायन हुआ। भोपाल के रविंद्र भवन में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने विश्व रंग कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की। सुबह जबलपुर के सुरपराग वृंद ने रविंद्र संगीत से गुलजार किया, तो वहीं ढलती शाम में शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती ने लोगों का अपने संगीत गायन से मन मोह लिया। इस दौरान पूरा सभागार शास्त्रीय गायन सुनने के लिए खचाखच भरा रहा। इस दौरान विश्व रंग की झलकियां लगाई गई थी। वहीं विश्व रंग के निदेशक और कुलाधिपति संतोष चौबे ने महोत्सव के शुभारंभ पर कहा कि विश्व रंग अपने 4वें संस्करण में हजारों लोगों को समेटे हुए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल में अपने नए कलेवर के साथ आपके समक्ष आया है। आज विश्व रंग 2022 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आशीर्वाद से अपने रंग बिखेर रहा है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के डायरेक्टर सिद्धार्थ चौबे ने विश्व रंग कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया, हर दिन अलग कार्यक्रम के साथ नई प्रतिभा की प्रस्तुति होगी। बच्चों के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। कई बॉलीवुड कलाकार विश्व रंग से जुड़ रहे हैं। जी, विश्व रंग के 4वें संस्करण का आज पहला दिन है और पद्मश्री और नेशनली और इंटरनेशनली रेनाउंड क्लासिकल सिंगर कौशिकी चक्रवर्ती जी का गायन यहाँ पे होने वाला है। लोगों में बहुत उत्साह है उन्हें सुनने का। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और विश्व रंग का आगाज़ ऐसे ही किसी सुंदर और सुरीली शाम के साथ होना था। आगे आने वाले 6 दिन भी बहुत खास होने वाले हैं। ये विश्व रंग महोत्सव पूरे 7 दिन का महोत्सव है। 14, 15, 16 नवंबर हम रविंद्र भवन में रहेंगे और 17, 18, 19, 20 हम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे। तो सांस्कृतिक सभाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी, साहित्यिक सत्र होंगे, बहुत सारे लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन होगा और कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विश्व रंग में ज़रूर आएँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्व रंग पोर्टल पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। सभी सेशंस में जो प्रवेश है वो पूर्णतः निःशुल्क है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व रंग कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम को देखने विभिन्न क्षेत्रों से लोग रविंद्र भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ की और बताया कि हर वर्ष वे विश्व रंग के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कोरोना की वजह से बीच में रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन फिर विश्व रंग अपने रंग में आ गया है। विश्व रंग भोपाल वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यहाँ 7 दिन का बड़ा आनंद उत्सव रहेगा रविंद्र भवन और मिंटो हॉल में। आईसेट की तरफ से आरएनटी विश्वविद्यालय विश्व रंग का आयोजन करता है। बहुत मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व रंग के आयोजन में मुझे यहाँ पर आते हुए, इसको ज्वाइन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। कोरोना के 2 वर्ष के बाद में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। उसके पूर्व में भी ये किया गया था, तब बहुत ही आनंद आया था और इस बार फिर पूरी उम्मीद है कि समारोह में हमें बहुत आनंद आएगा। आज उस समारोह का हम प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।